नमस्कार दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल उदय जयदीप में स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, समय तथा दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। आप इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हैं तो आपके दो चैप्टर और क्लियर होंगे, कौन कौन से, रेलगाड़ी और धार तथा नाप वाला चैप्टर, क्योंकि तीनों चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट सेम ही है। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के कुछ फॉर्मूले देखते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला देखिए क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूसरा दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी कि इस एक ही फॉर्मूले में किन्हीं दो की वैल्यू मालूम हो तो तीसरे को हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चाल जब किलोमीटर प्रति घंटे में होगी, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने क्या करेंगे, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए, बाय मीटर प्रति सेकंड, यानी कि अब चाल मीटर प्रति सेकंड में हो, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको यहाँ से याद रखिए, जब भी किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि बड़ी यूनिट के छोटी यूनिट में चेंज कर रहा है, तो क्या करते हैं, 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि छोटी संख्या ऊपर और बड़ी संख्या नीचे। इसका अपोजिट ले लीजिए आप, छोटा है मीटर प्रति सेकंड, इसको बड़ी यूनिट में चेंज कर रहा है, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि ए तथा बी की चालों का अनुपात ए रेशो बी हो, तो एक ही दूरी तय करने में इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा, बी रेशो ए, यानी कि चाल का जो रेशो होगा इसका अपोजिट किसका आएगा, समय का रेशो कितना हो जाएगा, बी रेशो ए। नेक्स्ट देखिए, माना कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा इतनी ही दूरी बाय किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तब पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी होगी, 2xy/x+y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इस फॉर्मूले में क्या कह रहा है, देखिए कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी, यानी कि मान के चलिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इनके बीच की ये निश्चित दूरी है, क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि ए से यदि हम बी को जाएँ एक्स किलोमीटर प्रति घंटे से, और बी से ए को आए किससे, बाय किलोमीटर प्रति घंटे से, तो इस पूरी दूरी तय करने में औसत चाल कितनी होगी, 2xy/x+y किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक मिनट में कितनी दूरी तय करता है, यानी कि स्कूटर सवार की चाल दी है कितनी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना समय कितना दिया, एक मिनट में समय दिया, एक मिनट में कितनी दूरी तय करता है, यानी कि हमें दूरी निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, दो का मालूम तो तीसरा निकाल सकते हैं, या हमें क्या दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय, समय क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाल इंटू समय, यानी कि चाल और समय की ज़रूरत होगी, तो चाल कितनी दी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय एक मिनट। तो देखिए इसमें हम दोनों को सेम यूनिट में चेंज करते हैं, जब भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो समय को घंटे में चेंज करते हैं, और मीटर प्रति सेकेंड हो तो समय को सेकेंड में लेते हैं। यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम समय को किस में, घंटे में लेंगे, यानी एक मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, कितना आ गया, 1/60 घंटा, जी क्या आ गया, समय आ गया, और चाल 54 किलोमीटर दिया है, तो दूरी क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय, चाल कितनी दी है, 54, और समय 1/60 घंटे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगी हमारी दूरी आ जाएगी, इसको 6 से कैंसिल किए, 6 कम 6, 6 नाम 54, यानी कि कितना आ गया, 9/10 किस में आएगी दूरी, किलोमीटर में आएगी, क्यों, चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में और समय घंटे में, तो दूरी जो आएगी हमारी वो किलोमीटर में आएगी, किस में, किलोमीटर में, कितनी आ गई, 9/10 किलोमीटर, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.9 किलोमीटर। और यदि हमारे मीटर में दी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि ऑप्शन में मीटर में दी है दूरी, तो इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, 9/10 को मीटर में चेंज कैसे करेंगे, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर,
तो 1000 कैसे मल्टीप्लाई कर दें, 0 से 0 कैंसिल, 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 900 मीटर। यदि ऑप्शन में हमें मीटर में दूरी पूछी है तो 900 मीटर हो जाएगी, और किलोमीटर में पूछी है तो 9/10 किलोमीटर, या पॉइंट में पूछी है तो 0.9 किलोमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। यहाँ पे क्या दिया है, चाल मीटर प्रति सेकंड में और समय 3 घंटे 20 मिनट, तो दूरी किस में पूछिए, किलोमीटर में पूछिए, कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो दूरी किलोमीटर में पूछी है तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड को भी किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करते हैं, और यहाँ पे समय 3 घंटे है, 3 घंटे 20 मिनट, तो इसको भी हम पूरा घंटे में ले लेंगे। कैसे, 20 मिनट को और घंटे में चेंज कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम चाल को करते हैं चेंज, चाल कितनी दी है 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसको किलोमीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने क्या करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई, यानी कि बड़ी संख्या ऊपर और छोटी नीचे, कितनी आ जाएगी चाल, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय देखिए, समय यहाँ पर दिया हमें 3 घंटा 20 मिनट, तो देखिए 3 घंटा 20 मिनट को 3 घंटा पूरे और 20 मिनट को हम घंटे में चेंज करते हैं, 60, 20 एकम 20, 20 30 60, 3 तिरका 9 और 1 10/3, यानी कि समय कितना आ जाएगा, 10/3 घंटा। चाल आ गया हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में और समय आ गया घंटे में, तो हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल इंटू समय, चाल कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटे और समय 10/3 घंटे, 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 6 18, 6 × 10 यानी कि 60 किलोमीटर क्या आ जाएगी, ये हमारी दूरी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, यानी कि 2 रेलगाड़ी को रेशियो दिया है 6:7, तो क्या कह रहा है, दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रही है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल निकालना है। देखिए यहाँ दूसरी रेलगाड़ी का समय दिया और दूरी, तो यहाँ से क्या दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकाल लेंगे, क्या आ जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की चाल, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 364 बटे समय 4, 4 से इसको कैंसिल किए, 4 × 36, 4 × 1 4, देखिए यहाँ किलोमीटर है घंटे है, किसी को चेंज नहीं करना पड़ा, तो चाल किस में आएगी हमारी, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब देखिए इनकी चालों का रेशियो कितने दिया है, 6:7, इनका चालों का रेशियो दिया है, तो हम चाल मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी की चाल 6x और दूसरी की 7x, देखिए दूसरी की हमने मानी 7x चाल, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है 91 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको इसको कम इक्वल में रख देंगे, 7x = 91, एक्स की वैल्यू 7 से 91 कैंसिल करेंगे, 7 × 7 2×21, 7 × 21, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 13। अब देखिए इसको इसमें रख दें तो हमारी पहली रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, 6x पहले रेलगाड़ी की चाल है, तो 6 × 13 कितना हो जाएगा, देखिए 13 6 78, तो ये किस में आई, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमारी पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई, 78 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है, समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा, यानी क्वेश्चन में चालों का रेशियो दिया है 2:3:4, तो हमें किसका, समय का निकालना है, तो समय में क्या रेशियो होगा इनका। तो देखिए चाल का अपोजिट किसका होता है, समय का रेशियो, देखिए चाल का दिया 2:3:4, तो इसका अपोजिट समय का रेशियो, यानी कि 1/2 / 1/3 / 1/4, ये किसका आ जाएगा रेशियो, समय का रेशियो। देखिए इसको और सॉल्व करते हैं, नीचे का एलसीएम लेंगे 2, 3 और 4 का, कितना आएगा 12 एलसीएम, 2 से एलसीएम कितनी बार कैंसिल, 6, 3 से 4 और 4 से 12 3 बार कैंसिल। हम क्या करते हैं, यहाँ से एलसीएम को हटा देते हैं,
तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 6:4, देखिए 6:4:3, ये किसका जाएगा, समय में इनका अनुपात या रेशियो कितना हो जाएगा, 6:4:3 हमारा आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। यानी क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से, यानी कि नगर ए यहाँ है कहीं और नगर बी यहाँ है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, यानी कि 72 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जाता है ए से बी की ओर, और बी से ए की ओर लौटता कितनी स्पीड से है, 48 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। यानी कि ए से बी जा रहा है ये 72 किलोमीटर/आवर और बी से ए लौट रहा है 48 किलोमीटर/आवर, दूरी सेम ही है। तो देखिए इसकी औसत चाल कितनी होती है, देखिए अभी हमने फॉर्मूला देखा था औसत चाल का, क्या होता है औसत चाल, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। तो x की वैल्यू हम इसको ले लेते हैं और y इसको ले लेते हैं, किसी को भी xy ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए 2x हमने इसको ले लिया 72 और y 48 बटे x+y, यानी कि 72 + 48। देखिए इसको और सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए 2 × इसको सेम ही रहने देते हैं अभी, और नीचे को अकेला ऐड कर लेते हैं, 72 + 48 कितना हो जाएगा, 120। देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 12 ही से कैंसिल करते हैं, 12 × 12 और ऊपर 12 × 5 = 72। देखिए यहाँ से 6 × 2 यानी कि 12 × 48/10। देखिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 8 = 96 आता ही 9, 12 × 48 = 9 कितना हो जाएगा, 57/10। नीचे 10 है तो 1 अंक का दशमलव लगा दें यहाँ पे, यानी कि 57.6 यूनिट हमारी किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में, तो चाल है तो किस में आएगी, किलोमीटर पर हवर में। तो औसत चाल कितनी होगी, 57.6 किलोमीटर/घंटे, तो हमारा आंसर होगा। आज के लिए इतना ही, इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आप इन क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, जिससे कि आपका मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। यह चैप्टर बहुत ही सरल और इंटरेस्टिंग है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।